प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 अध्याय 4 पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय पढ़ने से पूर्व हमें ये पता लगाना, ये जानना बहुत जरूरी है कि पद क्या होता है, इसके भेद क्या होते हैं, ये हम सबसे पहले जानेंगे। पदों के बारे में हम जानते हैं तो पद कहते किसे हैं। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, ब्लैक बोर्ड पर यह उदाहरण नहीं है, समझिए। राम जयपुर जाता है, यहां राम को अलग कर दे, जयपुर को अलग कर दे, जाता को अलग कर दे, है को अलग कर दे, तो सब अलग अलग शब्द है, लेकिन इनकी विभक्ति, लिंग, वचन, कारक, इनसे अगर इनको जोड़ें और व्याकरण दृष्टि से इनको जोड़ लें और फिर बोले राम जयपुर जाता है, तो ये एक सारे शब्द इन पद जुड़कर एक वाक्य बन गया कि राम जयपुर जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि पद है, क्योंकि हम उसका परिचय दे रहे हैं, इसलिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब है पद के भेद। व्याकरण में पद के दो भेद हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी पद के बारे में जानिए, जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वे सारे विकारी पद कहलाते हैं। इसमें व्याकरण में कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी विकारी पद है जो लिंग वचन कार्य के अनुसार बदल जाते हैं। उसके बाद आइए अविकारी पद। जो पद लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार आदि के प्रयोग से अप्रवाहित होते हैं, उनपे कोई प्रभाव नहीं बदलता, वाक्य में कोई प्रभाव नहीं डालते, वे सारे अविकारी पद कहलाते हैं। इनमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे अविकारी पद हैं। इसलिए इतना पहचान और इतनी जानकारी पद परिचय के लिए बहुत जरूरी है कि पद किसे कहते हैं, पद के भेद क्या हैं, विकारी पद कौन से हैं और अविकारी पद कौन से हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु हमारा है पद परिचय। अब हम पदों का परिचय देंगे। पदों के परिचय क्या होते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना कि व्याकरण में इस पद को क्या कहते हैं और इसमें क्या है, ये परिचय देना ही पूरा पद परिचय कहलाता है। परिचय कैसे देंगे, जैसे हम विकारी शब्द कोई आता है, संज्ञा है, तो संज्ञा का पूरा परिचय देंगे, सर्वनाम का पूरा परिचय देंगे, विशेषण का पूरा परिचय देंगे, क्रिया का पूरा परिचय देंगे। अब हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले हम विकारी पद में संज्ञा लेते हैं कि संज्ञा का पद परिचय कैसे हुआ और इसको वाक्य में पहचानना कैसे है और करना कैसे। संज्ञा के जब पद परिचय हम देंगे तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे संज्ञा का भेद। संज्ञा के जो भेद हैं वो भेद हम काम लेंगे। उसके बाद उसी पद का हम लिंग बताएंगे कि उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद उसी शब्द का हम वचन बताएंगे कि उसका वचन क्या है। वचन बताने के बाद हम उसका कारक बताएंगे। कारक बताने के बाद वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है ये बताएंगे। अब इस पूरे संज्ञा पद को जानने के लिए नीचे उदाहरण है, आप उसको देखिए। उदाहरण लिखा है, राम बाग में आम खा रहा है। इसमें तीन संज्ञाएं हैं, एक राम, एक बाग और एक आम। हम सबसे पहले राम संज्ञा को बाहर लेते हैं। ये पूरा वाक्य है, राम बाग में आम खा रहा है, पूरा वाक्य है। इसमें से हम राम जो पद है उसको बाहर लेते हैं। राम पद को बाहर लेने के बाद इस पद की हम सबसे पहले पहचान करेंगे कि ये विकारी और अविकारी पदों में से कौन सा पद है।
सबसे पहले पद हम जानें कि ये विकारी पदों में संज्ञा है। अब हम इसका भेद बताएंगे कि संज्ञा का भेद क्या है, ये कौन सी संज्ञा में है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, कौन सी है ये बताएंगे। तो इसमें हम जान चुके कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी इस पूरे वाक्य में राम पद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम इसका दो नंबर काम करेंगे, लिंग बताएंगे कि इसका लिंग क्या है। लिंग स्त्रीलिंग और पुलिंग, इसमें से हम देखें कि राम एक पुलिंग है। लिंग लेने के बाद हम चलेंगे कि इसी पद में वचन क्या है, वचन में चलेंगे। तो वचन दो थे, एक वचन और बहुवचन। तो अब देखेंगे कि राम अकेला ही आम खा रहा है, उसके साथ कोई नहीं है, क्रिया को देखते हुए तो पता चलेगा कि राम एक वचन है। उसके बाद ये बताएंगे कि इसका कारक कौन सा है। देखिए, राम क्रिया करने वाला खुद है, जो क्रिया खुद करता है कर्म की सहायता से, वो या बिना कर्म की सहायता से वो कर्ता कहलाता है। यहां राम करता है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये कर्ता कारक है। उसके बाद हम चलेंगे क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है, ये क्रिया से क्या साथ इसका क्या संबंध बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि पूरी क्रिया खा रहा है, क्रिया को करने वाला ये करता है, ये इसका क्रिया के साथ संबंध है। अब हम इस वाक्य की दूसरे पद में चलेंगे, बाघ। बाघ में आइए, बाघ की कोटि पहचाननी है। सबसे पहले उसका पद पहचानना है कि वो भिखारी है या एक अविकारी पद है। तो हमने पहचाना कि ये विकारी पद है, विकारी पद में संज्ञा है। संज्ञा कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम लेंगे इसका लिंग कौन सा है, तो ये पुलिंग। उसके बाद हम पहचानेंगे कि इसका वचन कौन सा है, एक वचन या बहुवचन, तो ये एक वचन है। अब हम पहचानेंगे कि इसका कारक कौन सा है, तो देखिए इसमें कारक है अधिकरण कारक। उसके बाद देखेंगे कि इसका क्रिया के साथ संबंध क्या है बाघ का, तो क्रिया का संबंध ये है कि ये क्रिया का आधार है, क्योंकि राम क्रिया कर रहा है आम खाने की, लेकिन आम आया कहां से, आम आया बाघ से, इसलिए वो क्रिया का हो गया आधार। इस तरह से पद परिचय में आज हमने पढ़ा संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद परिचय में हमने दो उदाहरणों से समझा कि पद परिचय में विकारी शब्द संज्ञा का परिचय किस तरह से दिया जाता है। ये मैंने आपको बताई दिया कि संज्ञा का परिचय देने के लिए उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। अब हम अगली ऑनलाइन क्लास में हम जानेंगे दूसरा विकारी पद की सर्वनाम। सर्वनाम को भी ठीक इसी तरह से हम उसको करेंगे, ये काम हम करेंगे अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।